देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है मॉर्निंग न्यूज का, जिसमें हम आज की खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग का वर्चुअली शिलान्यास करेंगे। बता दें कि 897 करोड़ की लागत से बनने वाली इस 3 मंजिला इमारत में 8 एयरब्रो ब्रिज, 72 चेक इन काउंटर और 14 सिक्योरिटी काउंटर होंगे। निर्माण कार्य 36 महीने में पूरा होगा। शिलान्यास के दौरान टर्मिनल बिल्डिंग के निर्माण स्थल के पास टेंट लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज कटिहार के प्रस्तावित यात्रा पर रहेंगे। बता दें कि इस दौरान मुख्यमंत्री उद्घाटन और शिलान्यास के माध्यम से कटिहार को कई सौगात देंगे। इसमें सबसे बड़ी सौगात कटिहार महिला आईटीआई कॉलेज के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी हरियाणा विधानसभा चुनाव में आज अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे और करनाल तथा हिसार जिला में 2 रैली को संबोधित करेंगे। पार्टी की राज्य इकाई के अनुसार गांधी करनाल के असंत में एक रैली को संबोधित करेंगे, जहां से शमशेर सिंह गोगी दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं। हरियाणा में 5 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते शनिवार को मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम की घोषणा की, जहां वे हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं, स्वयंसेवकों और समर्थकों के साथ बातचीत करेंगे। पीएम मोदी ने एक एक्स पोस्ट में कहा कि वह 26 सितंबर यानी आज करीब 12:30 बजे नमो ऐप के जरिए पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। झारखंड में बदलाव की लहर चल रही है और भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन रैली धनबाद प्रमंडल से शुरू हो रही है। बता दें कि 20 सितंबर से शुरू हुई इस रैली में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, अन्नपूर्णा देवी, पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष सुरेंद्र अधिकारी सहित कई बड़े नेता शामिल होंगे। रेडमी ने आखिरकार अपने यूजर्स का इंतजार खत्म करते हुए मच अवेटेड रेडमी नोट 14 सीरीज की लॉन्च डेट पर मोहर लगा दी है। कंपनी चीन में रेडमी नोट 14 सीरीज को आज लॉन्च करने जा रही है। इसी इवेंट में कंपनी अपने यूजर्स के लिए रेडमी बर्ड 6 TWS ईयरबड्स भी पेश करेगी। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय का 42वां दीक्षांत समारोह आज विश्वविद्यालय के ऐतिहासिक मुख्य भवन में आयोजित किया जाएगा। समारोह की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश की राज्यपाल और विश्वविद्यालय की कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल करेंगी। बता दें कि इसकी जानकारी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा ने दी है। छत्तीसगढ़ के चांपा में आज रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। बता दें कि रोजगार कार्यालय में युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से एक दिवसीय प्लेसमेंट कैंप का आयोजन आज प्रातः 11 बजे से 3 बजे तक लाइवलीहुड कॉलेज परिसर जांजगीर में किया जाएगा। इस कैंप में निजी क्षेत्र के 3 नियोजकों द्वारा कुल 200 से अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी। भाटपारा हथबंद सेक्शन में ट्रैफिक कम पावर ब्लॉक के कारण रेलवे ने 9 पैसेंजर ट्रेनों को रद्द कर दिया है। ये ट्रेनें आज से रद्द रहेंगी, इससे लोकल पैसेंजर को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज बारिश की आशंका जताई है। से लेकर मैदानी व मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में आसमानी बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। लाहौर, स्पीति और किन्नौर को छोड़कर शेष 10 जिलों में गरज के साथ वर्षा होने के आसार हैं। वक्त हो गया है आज के इतिहास का, तो आइए निगाह डाल लेते हैं आज के इतिहास पर। आज ही के दिन 1820 में प्रसिद्ध समाज सुधारक, शिक्षा शास्त्री और स्वाधीनता सेनानी ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म हुआ था। आज ही के दिन 1872 में न्यूयॉर्क सिटी में पहला मंदिर बना था। आज ही के दिन 1932 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म हुआ था। आज ही के दिन 1989 में हिंदी फिल्मों के पार्श्व गायक और संगीतकार हेमंत कुमार का निधन हुआ था। आज ही के दिन 1998 में सचिन तेंदुलकर ने जिम्बाब्वे के खिलाफ एक दिवसीय क्रिकेट मैच में 18वां शतक लगाकर डेसमंड हेंस का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा था। मॉर्निंग न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।